चैनल है और एडसेंस आपका अगर बन चुका है और एडसेंस बंद होने के बाद में दो सबसे बड़ी समस्या आती है, एक आता आपके पास में पिन वेरिफिकेशन, दूसरा आपके पास में आता है आईडी वेरिफिकेशन यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो एड्रेस वेरिफिकेशन तो सिंपल है, क्यों, क्योंकि आपने एड्रेस जो मेंशन किया हुआ है, जो अपना पोस्टल एड्रेस डाला है, उसी एड्रेस के ऊपर गूगल क्या करता है, एक लेटर आपको प्रोवाइड कराता है। और जो लेटर आपके पास आता है अपने आपके घर पर, जिसमें 6 डिजिट का एक कोड होता है, उस कोड को आपको डालना होता है और आपका अकाउंट हो गया वेरीफाई। और लेकिन अगर आपके पास में 3 बार में भी अगर आपका अकाउंट का वेरीफाई नहीं हुआ, यानी आपका एड्रेस वेरीफिकेशन नहीं हुआ, तो उसको कैसे करना है, अगर वो जानना चाहते हो, उसके लिए आपको आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगी, जाकर उसको देख सकते हो कि कैसे आप विदाउट, यानी कि जब आपके पास में पिन ना आए 3 बार भी, तो आप कैसे उसको ईमेल के जरिए वेरीफाई करोगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर, जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है दोस्तों आइडेंटिटी वेरीफिकेशन। दोस्तों आइडेंटिटी वेरीफिकेशन क्या होता है कि इस जो एडसेंस को एक्टिव रखने के लिए यानी एड सर्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी, यानी दोनों केस बहुत ज़रूरी है, एड्रेस वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में दोस्तों होता है क्या कि आपके पास में पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 4 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। अब होता क्या है कि अगर आपने जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में लोग क्या करते हैं, 3 गलती कर देते हैं। पहली गलती, वो सही से फ़ोटो नहीं खींचते। दूसरी गलती, नाम चेक नहीं करते। तीसरा क्या होता है कि वो जो फ़ोटो क्लिक करने का तरीका, जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं होता, जिसकी वजह से वो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम 3 बार अप्लाई करते हैं और 3 बार उनका फेल्ड हो जाता है। और जब फेल्ड हो जाता है तो दोस्तों आई होप कि अगर आपको पता होगा कि एडसेंस में एक एक्शन बटन आता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आगे की पूरी कार्रवाई होती है, और 3 बार फेल्ड होने के बाद में आपका एक्शन बटन काम करना बंद कर देता है। अब जब एक्शन बटन काम करना बंद कर देता है, तो आखिर में करें क्या, क्या करें कि हमारा जो एक्शन बटन है काम करना स्टार्ट कर दे, और कैसे हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सब कुछ पूरी डिटेल और पूरा लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस केस को आप वेरीफाई करोगे, और सबसे मेन चीज़ कि इस केस को करने के लिए कम से कम मिनिमम 5 दिन और मैक्सिमम आपका 8 और 10 दिन भी लग सकता है इस चीज़ को टोटल करने के लिए। तो फ्रेंड्स कैसे करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई किया इन मैडम का, एवरीथिंग पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर। चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेल फॉरवर्ड कर रखा है, और आपको यहाँ पर इस मेल आईडी के ऊपर मेल जब ड्रॉप करेंगे, तो आपको कुछ टाइम के बाद में आपको एक मेल आएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा अपना पैन कार्ड भेजिए। दोस्तों जैसे आप देख रहे हो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है पैन कार्ड को अटैच कर दिया है, और जब मेल आता तो उसमें जस्ट ये लिखा जाता है कि भाई 24 से 72 घंटे बाद कि भाई आप जो है अपना पैन कार्ड भेजो। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि हेलो टीम, और इसके बाद में प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये चीज़ कि आप जो है इस चीज़ को चेक करो कि मैंने जो है यहाँ पर अपना पैन कार्ड अटैच कर दिया है। और उसके बाद उसे यहाँ पर ये सारा मैसेज टाइप करने के बाद में आपको बस करना है इंतज़ार। तो जैसे आप ये मैसेज टाइप कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई हैव अटैच माई पैन कार्ड, और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ये अटैच हो चुका है पैन कार्ड, और इसको कर देना है आपको यहाँ पे इसके बाद में सबमिट। बट उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो ध्यान से कि आपका नाम क्या है। नाम चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका पैन कार्ड में है वही आपके पेमेंट प्रोफाइल में नाम होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपका नाम कुछ और हो पैन कार्ड में, और उसके बाद में आपका नाम यहाँ पे कुछ और हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नितेश वर्मा नाम है इनका, तो ये सेम नाम मैंने चेक कर चुका है कि पैन कार्ड में भी है। तो बस मैंने चेक करके फाइनली यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों सबमिट करने के बाद में थोड़ा इंतज़ार करना है आपको, उसके बाद में इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे फाइनली आपको एक मेल आएगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ टाइम वेट करने के बाद फाइनली आप देखो दोस्तों यहाँ पर मेल आ चुका है कि भैया जो मेल है वो आपका इस तरीके से आएगा कि गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली जो है इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से लिखा आ जाता है। तो इस तरीके फ्रेंडली आप फ्रेंड्स, अगर आपका 3 अटैम्प के बाद में भी अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आप इस पूरे प्रोसेस को करके कर सकते हो। अब यहाँ पे इनके चैनल पे जाके वाइट स्टूडियो पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी कि वीडियोस मैनेज पे, और जस्ट यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले
इसको कर लेते हैं वेरीफाई। तो इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ बात उससे ध्यान रहा, ये बहुत अच्छा यूट्यूब का यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी है कि विदाउट परमिशन तो आप इनके चैनल को भी ओपन तो कर लोगे लेकिन ये आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले लॉगिन कर लेना आपको आईडी पासवर्ड डाल के। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर मोनिटाइजेशन टैब पे आने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पर इनेबल हो चुका है, जो सबसे पहले इनका यहाँ पर फिक्स आ रहा था, और ये यहाँ पे इनका एडसेंस जो है एक्टिव अब यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी ये कुछ फीचर्स मिले हुए हैं, ये चाहें तो इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर इनकी वीडियोज़ का, तो इनकी वीडियोज़ के ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पर इनके सबसे पहले इनकी वीडियोज़ चेक करते हैं, और इस तरीके देखेंगे आप यहाँ पे ये बहुत सारे हैं कि आखिर में क्या होता है मेंबरशिप, कैसे काम करता है, तो ये सब चीज़ भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। और ज़रूरत क्यों नहीं है, हर किसी क्रिएटर को जो है ज्वाइन बटन ज़रूरत होती है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर कुछ अलग से शो करेगा किस तरीके से ज्वाइन बटन आता है, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर कंटेंट पर जाने के बाद आप यहाँ पर, मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, मोनिटाइजेशन पर जाके नॉट मोनिटाइज वीडियोज़ के ऊपर चेक करके अप्लाई कर देता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे सब वीडियोस को हमें कर लेना है सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट पे करता हूँ क्लिक और ऑल सेलेक्ट कर लेना है। एडिट में जाके यहाँ पे मोनेटाइजेशन और यहाँ पे ऑन ऑफ करके, यहाँ पे सीधा ऑन करके यहाँ पे आई अंडरस्टैंड अपडेट वीडियोस के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा करना है इंतज़ार। और जैसे आप इंतज़ार करेंगे तो डेफिनेटली आपकी यहाँ सारी वीडियोज़ जो है, जो ये अभी यहाँ पे ग्रे डॉलर आ रहा है, ये सारी वीडियोज़ आपकी क्या हो जाएंगी, ग्रीन डॉलर में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है बल्क में एक बार में सारी वीडियोस को मोनेटाइज करने का तरीका। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रहे कि ये सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, और ये तब प्रोसेस फॉलो करना है जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 3 बार फेल्ड हो जाए, उसके बाद आपको ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर इनका ग्रीन डॉलर आ जाएगा, थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। और आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है कि आखिर में कैसे आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कैसे आपको वेरीफाई करना है, कैसे YouTube की टीम से बात करना है। जस्ट आपको YouTube की टीम से बात करने के लिए एक मेल फॉरवर्ड करना है कि भैया आपका जो इशू है बता देना है, और आपको बस अपना पैन कार्ड अटैच कर देना, तो आपको मिल जाएगा वेरीफाई करने का ऑप्शन। बस फ्रेंड फिलहाल में दोस्तों इतना ही। चैनल पर आए हुए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है, इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट डीएम करो, डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।